देखो देखो सच में आया, सच में अभी आपको कहता हूँ। ए हाय हेलो फ्रेंड, दुनियादारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, तो बताती हूँ ये चल रहा है करवा चौथ की पूजे की तैयारी। तो ये सब है श्रृंगार का सामान, जो 16 श्रृंगार सुहागन को दिया जाता है पूजे में रख के, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मम्मी इसको सेट करके अच्छे से रख रही है, क्योंकि ये सब मैं मम्मी को ही देने वाली हूँ। वैसे देखा जाए तो ये सास को दिया जाता है, बट मैं मेरी सास को नहीं दे सकती, तो क्योंकि ये किसी सुहागन को दिया जाता है, तो मैं मेरी मम्मी को देने वाली हूँ। तो उसी के लिए वो ये सब तैयारी कर रही है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी पूजे की पूरी तैयारी करके जा रहे हैं सीमा भाभी के घर। हम लोग वहाँ पर ही हमारी करवा चौथ की पूजा होगी, करवा माँ की पूजा होने वाली है। और ये मेरा दूसरा साल है पूजे का। पहले साल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था ठीक से, लेकिन अभी मैं तो सब समझ गई हूँ किस तरह से पूजा होती है, क्योंकि सीमा भाभी ने इतने अच्छी तरह से सब समझा के मुझे पूजे के लिए तैयार किया था। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं करवा चौथ करूं, और सामने से ही बोल दिया था सीमा भाभी ने, तो मैंने हाँ बोल दी और मैंने भी ये व्रत चालू किया। और ये सब सीमा भाभी के श्रृंगार के पूजे का सामान है, जो किसी सुहागन को दिया जाएगा। और ये करवा माँ के यहाँ पे सब श्रृंगार का सामान दिखा के रख दिया है। अभी ये करवा घुमाते हैं, मतलब मुझे भी इतनी आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन बोला जाता है कि करवा ले करवा दे ऐसे करके इसे यहाँ से वहाँ रखा जाता है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊँगी, वैसे भी थोड़ा बहुत तो सीख गई हूँ। और फिर ये भैया ने कथा पढ़ ली, कथा सुनने के बाद मैं आ गई घर पे, मम्मी का आशीर्वाद ले लिया और मम्मी को एक झप्पी दे दी प्यारी सी। और अब हम चल पड़े हैं लीप में, हम जा रहे हैं टेरेस के ऊपर चंदा मामा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ। और देख तो लिया वीडियो में हम लोग कितना एंजॉय, कितना मस्ती कर रहे थे। और ये अब सब लेडीज़ लोग टेरेस के ऊपर आ गए थे, तो थोड़ी मज़ा मस्ती और ये थोड़ा सा थाली घुमाना ये सब चल रहा था। और फिर मैं ही वीडियो निकाल रही थी, इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिख रही हूँ आप किसी को भी। और ये चूड़ी वाला, मेहंदी वाला, लेकिन मैंने भी मेरे हाथ की मेहंदी दिखाई है, देखिए ये है मेरा हाथ। जो जो फोटो वोटो खींच रहा सब भेज देना। भाभी सब लोग ऐसे करते हैं ना भाभी, चांद बुला सब लोग करते हैं, मस्त वीडियो बनेगा सीरियसली। हाँ चालू है। हाँ
ये चांद है क्या? देखो देखो अभी आपको कहता तो फ्रेंड्स आप वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये रही मेरी करवा चौथ वाली थाली, तो ये देखिए। और इसके साथ ही मम्मी को भी मैंने बोला कि तेरा भी वीडियो बना देती हूँ, तो मम्मी तो बहुत ही खुश हो गई और ये ले वीडियो बना ही डाला। और ये देखिए हस्बैंड जी भी पूजा कर रहे हैं चंदा मामा की। और सच बोलो चंदा मामा निकले ही नहीं बहुत देर से। फिर क्या, ऑनलाइन चंदा मामा के दर्शन करके हमें पूजा कंप्लीट करनी पड़ी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और बिजली तो जोरों की कड़क रही थी एकदम से। तो ये हमारी पूजा हो गई शुरू। और ये हस्बैंड जी ने मुझे दिया अच्छा सा आशीर्वाद, सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। और ये देखिए उसके बाद थोड़ी देर के बाद चंदा मामा आ गए। पता नहीं क्या सोच रहे थे चंदा मामा, बड़ी देर से आए, लेकिन आए ज़रूर, उनके दर्शन तो हो ही गए। फिर क्या था, उनको देख के वापस वीडियो बना डाला। हस्बैंड जी तो हो गए खुश, आए हैं क्या, स्माइल कर रहे हैं। और फिर क्या था, वीडियो बना ही डाला हस्बैंड जी के साथ में मैंने तो। और फिर सीमा भाभी की बारी आई, सीमा भाभी को भी मैंने बोला कि चलो चंदा मामा तो आ ही गए, तो क्यों ना हम हस्बैंड जी के साथ अपने अपने हस्बैंड जी के साथ एक एक वीडियो बना डालते हैं। और भैया तो बहुत ही हंस रहे थे, बहुत ही मज़ा कर रहे थे, और इन्होंने तो बहुत मज़ा किया, बहुत मस्ती की। और ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं सीमा भाभी को चंदा मामा के दर्शन करके। ये हो गई चालू मस्ती। और इसी के साथ बड़े ही मस्ती से मज़े से करवा चौथ की रात बीत गई, बहुत ही मज़ा आया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।